Hello dear students, today we will discuss about the fourth poem of your poetry section, and the poem is The River Isle of Innisfree, composed by William Butler Yeats. So students, before starting the poem, we will go through the meaning of the title of the poem and also a short intro about this poem. नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि हम इस पोएम का टाइटल देख रहे हैं, द रिवर आइल ऑफ इनिसफ्री. रिवर मीन्स नदी होती है, आइल मीन्स द्वीप होता है, और द्वीप एक ऐसी जगह होती है जो चारों तरफ पानी से घिरी होती है. मीन्स आइलैंड को ही हम आइल बोलते हैं, और इनिसफ्री एक जगह का नाम है. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि इस पोएम में पोएट ने हमें क्या बताना चाहा है. इस पोएम में पोएट जो हैं वो वापस इनिसफ्री जाना चाहते हैं. मीन्स इनिसफ्री एक जगह का नाम है, और वो इनिसफ्री जो है वो उनका होम टाउन है. मीन्स उन्होंने अपना जो बचपन है वो इनिसफ्री में बिताया था, इसलिए वो वापस जाना चाहते हैं, और वो वहाँ पर एक छोटा सा कॉटेज हट बनाना चाहते हैं, और चाहते हैं कि वो उस हट में रहें जहाँ पर पीस मीन्स शांति हो. वो नेचर के पास रहना चाहते हैं. इट मीन्स वो कहते हैं कि वो इस वक्त शहर में हैं, और शहर का जो शोर शराबा है वो उनको अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए वो शांति चाहते हैं, और उस शांति को पाने के लिए वो इनिसफ्री जाना चाहते हैं. मीन्स वो वहाँ नेचर के पास रहना चाहते हैं, पेड़ पौधों के बीच रहना चाहते हैं, कीड़े मकोड़ों की आवाज़ सुनना चाहते हैं, कंकड़ पत्थरों से भरे हुए रास्ते पर चलना चाहते हैं, और अपने हृदय की धड़कन को सुनना चाहते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम स्टैंजास शुरू करते हैं. नाउ देयर आर 3 स्टैंजास, सो देखते हैं, हम वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं. तो फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं हम. आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड. 9 बीन रोज विल आई हैव देयर अ हाई फॉर द हनी बी एंड Live alone in the bee loud glade. Now students, हम difficult words को भी साथ में ही discuss करते चलते हैं. तो first line है I will arise. Arise means उठना होता है. तो poet कहते हैं I will arise, मैं उठूँगा, and go now, और अब जाऊँगा, and go to Innisfree, और कहाँ जाऊँगा? Innisfree. जैसा कि मैंने आपको बताया कि Innisfree एक जगह का नाम है जो poet का home town है, जहाँ पर उन्होंने अपना बचपन बिताया था. तो poet कहते हैं कि मैं अब उठूँगा और जाऊँगा. कहाँ जाऊँगा? Innisfree जाऊँगा. एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ड देयर, वहाँ पे एक छोटा सा केबिन बनाऊँगा, कमरा बनाऊँगा, हट बनाऊँगा. ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड, और वो हट किसका होगा? क्ले में मिट्टी से बना होगा, एंड वेटल्स और पेड़ों की टहनियों से बना होगा. 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, मैं वहाँ पे 9 क्यारियाँ लगाऊँगा. 9 बीन रोज, रोज मीन्स क्यारियाँ, मैं वहाँ पे 9 क्यारियाँ बनाऊँगा जिनमें मैं बीन्स के पेड़ लगाऊँ. बीन्स क्या होता है? सब्ज़ी होती है, सेम जैसे आपने सुना होगा. तो पोएट कहते हैं मैं वहाँ पे उस केबिन को जिसको मैं मिट्टी और पेड़ों की टहनियों से बनाऊँगा, वहाँ पे मैं 9 क्यारियाँ लगाऊँगा जिसमें बीन्स के पेड़ लगाऊँगा. अ हाई फॉर द हनी बी, हाई मीन्स होता है मधुमक्खी के छत्ते, और वहाँ पे मधुमक्खी के छत्ते भी होंगे. एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और मैं वहाँ पे वो जो खुला स्पेस होगा, ग्लेड मीन्स होता है ओपन स्पेस, वो जो खुला स्पेस होगा वहाँ पे क्या होगा? बी लिव अलोन, मैं वहाँ पे अकेला रहूँगा. बी लाउड ग्लेड, बी लाउड मीन्स क्या हुआ? मधुमक्खियों की जो बजिंग की आवाज़ होती है, मीन्स भिन भिन की जो आवाज़ होती है, बी लाउड मीन्स मधुमक्खियों की बजिंग की आवाज़, भिन भिन की आवाज़ हो. ग्लेड मीन्स ओपन एरिया. तो पोएट कहता है कि मैं वहाँ पे उस इनिसफ्री में जो झोपड़ी बनाऊँगा, जो 9 क्यारियाँ लगाऊँगा जिसमें बीन्स के पेड़ लगाऊँगा, वहाँ पे मधुमक्खी के छत्ते भी होंगे, और खुले स्पेस में, ओपन स्पेस में मधुमक्खियों की बजिंग की आवाज़ आएगी जिसमें मैं अकेला खड़ा होकर सुनूंगा और शांति को एंजॉय करूंगा. नाउ नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं. एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, और वहाँ पे मुझे थोड़ा सा शांति मिलेगी. फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, अब पोएट यहाँ पे कहता है क्योंकि जो शांति होती है वो ड्रॉपिंग स्लो मीन्स धीरे धीरे टपकती है, धीरे धीरे गिरती है. ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, अब पोएट यहाँ पे कहता है कि ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग, व्हील्स मीन्स होता है स्टूडेंट्स यहाँ पे घूंघट. तो पोएट